न्यूज़ वॉल इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। पहली खबर आगरा से, जहां मृत्युंजय अस्पताल के सेकंड फ्लोर पर चल रहे देव व्यापार की पुलिस ने छापेमारी कार्रवाई की है। एसीपी लोहा मंडी और एएचटी टीम ने छापेमार कार्रवाई की। कार्रवाई कर 5 महिला, 2 कस्टमर और मकान मालिक को पकड़ा है। मौके से 10 मोबाइल फोन, 13,000 की नकदी, आपत्तिजनक सामग्री मिली है। आगरा थाना जगदीशपुर क्षेत्र के बोदला मृत्युंजय अस्पताल के सेकंड फ्लोर पर यह छापेमारी हुई। देखिए, मुखबिर खास से जगदीशपुरा थाने में सूचना प्राप्त होती है कि एक मृत्युंजय हॉस्पिटल है, उसके सेकंड फ्लोर पर, क्योंकि बोदला बिजपुरी रोड पर है, देह व्यापार का धंधा चल रहा है। इस पे जगदीशपुरा टीम तुरंत एक्टिव होती है और वहाँ पे मुखबिर के द्वारा जब कंफर्म सूचना प्राप्त होती है कि यहाँ पर ऐसे धंधा चल रहा है, वहाँ पे एएसटीयू की टीम से संपर्क किया जाता है। एएसटीयू और जगदीशपुरा टीम संयुक्त कार्रवाई करती है और उसमें से 5 महिलाएं पकड़ी गई हैं। 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं, जिसमें 2 वहां पे कस्टमर्स थे और एक जो मकान मालिक है उनको भी पकड़ा गया है। फतेहपुर जिले में लूट की ताबड़तोड़ हो रही वारदातों को देखते हुए डीजी प्रयागराज भानु भास्कर ने जिला का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान गोली मारकर लूट का शिकार हुए युवक और उसके परिजनों से मुलाकात की। वहीं एडीजी भानु भास्कर ने बताया कि जिले में कानून व्यवस्था को किसी भी हालत में बिगड़ता नहीं दिया जाएगा। इस तरह की वारदात को अंजाम देने वाली घटनाओं का जल्द खुलासा किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि जनपद में बीते कुछ दिनों में 4 से ज्यादा लूट की वारदातें हुई हैं, उनके लिए टीमों में गठित कर दी गई है और जल्द ही ऐसी घटनाओं का खुलासा करते हुए अभियुक्तों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। अतुल तिवारी, वो पैसे निकाल के बैंक से, उनका जन सेवा केंद्र है, वो अपने जन सेवा केंद्र की तरफ जा रहे थे। उसी समय एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग सवार होकर आए और आके उनको चोट मारे, जिससे वो गिर गए और उसके बाद उनके बैग छीन के ले गए। कि लगभग दिन के 2:30 बजे की घटना है और 5 मिनट के अंदर 112 की गाड़ी पहुंच गई। उसने भी चेज किया लेकिन उसे पकड़ नहीं पाए। हम लोग को तकनीकी विश्लेषण से काफ़ी ठोस सबूत मिल गया है और हम आशा करते हैं कि अगले 24 से 48 घंटे के अंदर ये केस को सही तरीके से हम लोग वर्कआउट कर लेंगे। आगरा में अवैध निर्माणों पर एडीए की कार्रवाई लगातार जारी है। बिना मानचित्र स्वीकृति के बन रही निर्माणाधीन 4 इमारतों को किया गया सील। न्यू राजा मंडी, ताजगंज वार्ड और मधुनगर क्षेत्र में बिना नक्शा स्वीकृति के बनाई जा रही थी इमारत को, जिसे सील कर दिया गया है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जनसभा में हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। देवरिया जिले के बांसगांव लोकसभा के बराव कस्बे में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की संयुक्त जनसभा थी, जिसमें एक कार्यकर्ता सुरक्षा घेरे को फांद कर डी ब्लॉक में पहुंच गया और अखिलेश यादव से मिलने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय पुलिस ने युवक को मौके पर पकड़ लिया, उसे बैरिकेटिंग से बाहर कर दिया। तो वहीं कुछ युवा टेंट के ऊपर बैठकर भाषण सुनते नजर आए। वहीं जब अखिलेश यादव मंच पर पहुंचे तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और बैरिकेटिंग तोड़ने की कोशिश की। वहीं युवक आम लोगों के लिए बनाए गए पंडाल के ऊपर चढ़ गया और पुलिस ने उसे कई बार नीचे उतारने की कोशिश की, लेकिन जब अखिलेश यादव का पूरा भाषण समाप्त हुआ तब भी वह नीचे उतरा। वहीं मन से राहुल गांधी ने मीडिया पर तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश जी से जब सवाल पूछते हैं तो उल्टे सीधे पूछते हैं, जब नरेंद्र मोदी से सवाल पूछते हैं तो कहते हैं मोदी जी आप आम कैसे खाते हो, धोकर खाते हो या फिर छील कर खाते हो? मोदी जी जवाब देते हैं चमचो, नरेंद्र मोदी कुछ नहीं करता, सब कुछ अपने आप होता है। नरेंद्र मोदी को धरती पर परमात्मा ने भेजा है, बाकी सब लोग बायोलॉजिकल है, माता पिता से पैदा हुए, नरेंद्र मोदी बायोलॉजिकल नहीं है। आपने नरेंद्र मोदी जी के इंटरव्यू देखे आजकल, वो चमचे वाले जिसमें 4-4, 4-5 चमचे बैठते हैं और नरेंद्र मोदी से सवाल पूछते, वो देखे आपने? अखिलेश जी से इंटरव्यू करते हैं तो उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं, मगर नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछते हैं तो कहते हैं मोदी जी आप आम कैसे खाते हो, मोदी जी आप आम छील के खाते हो या काट के खाते हो? जिला अस्पताल में मरीजों को दिया गया दूषित भोजन, जली हुई रोटी और कीड़े वाली दाल। दाल में कीड़े देख मरीज हुए तीमारदार, भड़क गए, सीएमएस से की शिकायत। सीएमएस ने डायटिशियन और संबंधित निजी कंपनी से मांगा स्पष्टीकरण। मरीज को स्वस्थ करने वाला अस्पताल ही बीमार कर रहा है। मैंने अभी आई थी, मेरे पास कुछ महिलाएं जिसमें मुझे दाल लेके आई थी, मेरे कीड़े बता दी थी वो। अब मैं तो इतना स्पेशलिस्ट नहीं हूँ खाने का, पर मैंने उनसे स्पष्टीकरण मांगा है, खाना बनाने वालों से भी, दोनों से और डाइटिशियन से भी, और खाना सप्लाई जो करता है दाल उससे भी, इन चारों से स्पष्टीकरण मांगा है। मैं नहीं पहचान पा रहा कि वो कीड़े हैं या क्या है, दाल लेके तो आई थी वो। ताजनगरी आगरा में एक के बाद एक आग लगने की घटनाएं सामने आई है। 2 ताज़ा घटनाएं सामने आई। ताज़ा
मामला जो है वो ताजगंज क्षेत्र के अंतर्गत गांव नोबेरी का है, जहां पर आग लगी जिसमें किसान के गन्ने के खेत में अचानक से भीषण आग लग गई। इस दौरान किसान की कई बीघा फसल जलकर राख हो गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। गन्ने की फसल धू धू कर जलने लगी। घटना की सूचना फायर विभाग को दी गई। फायर विभाग में मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू कर दिए। पीड़ित किसान प्रशासन से मदद की आस में है। आगरा में 4 साल की मासूम की मौत से हड़कंप मच गया। बाजरे के खेत में लहूलुहान मिली मासूम। पिता के साथ खेत पर खरबूजे लेने गई थी, अचानक ही लापता। 2 घंटे बाद लहूलुहान मिली। नौबरा क्षेत्र के हिमायूपुर रोहई का पूरा मामला बताया जा रहा है। खुशबू उर्फ अनन्या अपने पिता सुभाष के पीछे पीछे खरबूज के खेत में खरबूज लेने गई थी। वहीं पर उनकी तरबूज उसके पिताजी तरबूज लेके वापस आ गए। बच्ची जब घर नहीं पहुंची तो उसके पिता और परिजनों ने उसकी खोजबीन करी। तो बच्ची का शव यहाँ पे मिल गया है। मुकदमा कायम करवा के कार्रवाई की जा रही है। पीलीभीत में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ में पुलिस के दौरान बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने बदमाशों से लूटी हुई मोटरसाइकिल, अवैध तमंचे, कारतूस बरामद किए हैं। दोनों बदमाशों के खिलाफ पहले से कई मुकदमे दर्ज है। पीलीभीत जनपद के थाना करेली क्षेत्र का ही पूरा मामला है। उन्नाव में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विभाग में तैनात वरिष्ठ लिपिक विजय कुमार उन्नाव जनपद में कोल्ड स्टोर को प्रदूषण विभाग द्वारा एनओसी निर्गत करने के एवज में पिछले कई दिनों से पैसों की मांग कर रहे थे। पीड़ित कोल्ड स्टोर के मालिक ने कई बार पैसों को कम ज्यादा को लेकर बातचीत हुई, लेकिन बात नहीं बन सकी। आहत होकर उसने भ्रष्टाचार निवारण संगठन का सहारा लिया और पूरे मामले की जानकारी से अवगत कराया। इसके बाद लखनऊ यूनिट की भ्रष्टाचार निवारण शाखा की एक टीम गठित की गई, जिससे इंस्पेक्टर नूरुल हदा समेत अन्य को शामिल किया गया। टीम मंगलवार को सीधे उन्नाव पहुंची और पीड़ित को लेकर प्रदूषण नियंत्रण कार्यालय पहुंची, जहां बाबू को पीड़ित ने प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए 50,000 रुपए लिए। इसी दौरान टीम ने रंगे हाथों उसे गिरफ्तार कर लिया। उन्नाव में दबंग युवकों ने ऑटो चालक को जमकर पीटा है और मौत के घाट उतार दिया। ऑटो चालक को बीच चौराहे पर घेर कर पीटा। राहगीरों के दौड़ने पर दबंग युवक को मरने की हालत में छोड़कर फरार हो गए। राहगीर आनंद फानन में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टर ने सुमित घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सदर कोतवाली क्षेत्र के गदनखेड़ा चौराहे की पूरी घटना है। जमीनी विवाद में दबंग ने गुर्गू के साथ दलित परिवार पर कहर बरपाया, जिसकी गुंडाई का वीडियो वायरल हो रहा है। दलित परिवार की बेटियों को जबरन गाड़ी की तरफ खींच कर ले जाने लगा आरोपी। पीड़ित युवती ने एसपी उन्नाव के सीयूजी नंबर पर रो रोकर आपबीती बताई। युवती ने जान का खतरा बताते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई है। सोरामऊ थाना प्रभारी पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा लिखे के बजाय तहरीर फाड़ने का गंभीर आरोप है। युवती और एसपी के पीआरओ की बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ है। सोरामऊ थाना क्षेत्र के लालपुर गाँव के पुलिस एसपी साहब बोल रहे हैं। हाँ पियारो बोल रहा हूँ, एसपी उन्नाव साहब को। जी पियारो बोल रहा हूँ, एसपी उन्नाव साहब को। अच्छा सर जी, आज हमारे यहाँ सोरामऊ में आप बोल कौन रहे हैं? सर हम रोशनी बोल रहे हैं। रोशनी जी सर जी, कहाँ से? लालपुर से बोल रहे हैं सर जी, सोरामऊ से। हाँ सर जी, हम लोग आज अपने खेत में काम कर रहे हैं, तभी सर जी दुई गाड़ी आई। बाद में सर जी हमका सब बहनी के ना गाड़ी में डाल ली नहीं, और उसके बाद में सर जी हमारे पापा आए, बचावे में पापा आए, जब तो हमें पापा के ना बहुत सर जी मारे नहीं। बहुत सर जी, किसलिए गाड़ी कहाँ से आई थी सर जी? कुछ लोग, दो गाड़ी आई, हमका सर जी नहीं पता है। किस लिए आई थी गाड़ी, किस लिए कहाँ से आई थी? सर हमें खेत में कब्जा करे सर जी, जो की वहाँ रोक लगी है, वीमा कब्जा कराया है सर जी। पापा के ना बहुत मारे, पापा के खोपड़ी फाड़ी है सर जी, पैर में ना खूब चोट लगी है। और सर जी कुछ लोग रहे जो कि जैसे भी हमारे बच्चन ऊपर चढ़ावे कात रहे हैं, और सर जी गोली भी मारे कात रहे हैं। और सर जी जो कि रिकॉर्डिंग हम लोगों ने पास, हमारे पापा बहुत मारे है सर जी। सर जी हम थाने गए राम सर जी, लेकिन वहाँ पे सर जी रिपोर्ट हम लोगों ने फाड़ फेंक दी सर जी। हमारे पापा का मेडिकल वगैरह कुछ नहीं कराए सर जी, पता नहीं हम लोग कुछ नहीं पता, हम लोग छोटी छोटी सब जने बहनी है सर जी, बहुत डर लग रहा है। पापा कमरे होश नहीं आ रहा है, पापा माँ कुछ नहीं बोल रहे हैं सर जी। क्या नाम है तुम्हारे पापा का? अशोक कुमार है। अशोक कुमार नाम है पापा का। ठीक है, अभी लिखवा रहा हूँ सर जी। हम कल बहुत डर लग रहा है सर जी, बचा लो सर जी। झांसी के थाना गरौर जिले निवासी चंद्रपाल बेटे चेतराम यादव बाजार में किसी काम से आया हुआ था, तभी उसे अपनी बाइक धनाई की ओर
तेलिया की ओर बने मंदिर के पास रख दी और एक दुकान के उद्घाटन में सम्मिलित होने चला गया। जब वो लौटकर अपनी बाइक को उठाने गया तो मौके से अज्ञात चोरों ने बाइक चोरी करके रफूचक्कर हो गए। संबंध में पीड़ित ने थाना गुड़सराय में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। इस पर थाना प्रभारी गुड़सराय इंस्पेक्टर संतोष कुमार अवस्थी ने अपने अधीनस्थ पुलिस स्टाफ को बाइक चोरी के खुलासे के लिए सक्रियता में लगा दिया और गुड़सराय पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के आधार पर जांच को बहुत आगे बढ़ा दिया है और जानकारी हुई है कि कैमरे में एक व्यक्ति मुंह बांधे हुए बाइक को ले जा रहा है। आपको बता दें कि पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई में जुटी हुई है। मोबा में हीट वेव का प्रकोप लगातार जारी है। हीट स्ट्रोक से 7 व्यक्तियों की मौत हो गई। 8 पीड़ित मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। उल्टी दस्त के 61 मरीजों का भी चल रहा इलाज। वृद्धजनों पर अधिक पड़ रहा हीट वेव का असर। 47 डिग्री तापमान से लोगों का जीना हुआ दुश्वार। भीषण गर्मी के कहर से हीट स्ट्रोक के मामले बढ़ रहे हैं। मोबा में विद्युत पोल में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट से पोल में आग लग गई है। भीषण गर्मी के चलते बिजली के तारों ने अचानक आग पकड़ ली। पोल पर लगी आग से लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। विद्युत विभाग फायरकर्मी मौके पर पहुंचे। शहर के रामकथा मार्ग का ही पूरा मामला है। बिजनौर में उधार का पैसा चुकाने के लिए एक फर्जी लूट की घटना सामने आई है। मालिक के 2,74,000 अपने ही पास रखकर लूट की झूठी कहानी बता ली। पुलिस ने एक्शन लेते सीसीटीवी की मदद से खोला केस। बिजनौर के कोतवाली देहात पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पूरा मामला बिजनौर के कोतवाली देहात का बताया जा रहा है। आज लगभग 4 बजे विजय सिंह जो नागल में ईंट भट्टे का कारोबार करते हैं उनके द्वारा सूचना दी गई कि उनका चालक आदर्श कुमार नूरपुर से पैसा लेकर के वापस आ रहा था। अकबराबाद चौकी के पास 2 बदमाशों द्वारा मोटरसाइकिल से ओवरटेक करके उनका बैग छीन कर लेकर चले गए। इस संबंध में स्थानीय पुलिस व पीआरबी तत्काल मौके पर पहुंची और चालक आदर्श कुमार से कड़ाई से पूछताछ की गई। पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि उनके ऊपर काफ़ी कर्ज था, उनके मन में लालच आ गई और उनके द्वारा पैसा बैग और समस्त सामान। रायबरेली में दिल दला देने वाला मामला सामने आया। डी थाना इलाके के एक अजियाना मोहल्ले का ये पूरा मामला है। यहाँ के रहने वाले राशिद की बहन चांदनी अपने 4 साल के बेटे अब्दुल्ला के साथ मायके आई थी। शाम के समय चांदनी का 4 साल का बेटा अब्दुल्ला और उसके भाई का 6 साल का बेटा खेलते खेलते घर के पीछे खड़ी सफारी के पास पहुंच गया। यहाँ दोनों बच्चे किसी तरफ सफारी का दरवाजा खोलकर उसमें घुसे और खेलते रहे। इधर काफी देर तक परिजनों को बच्चे नजर नहीं आए तो वो लोग इधर उधर ढूंढने लगे। रात हो जाने के चलते घर के पीछे खड़ी सफारी के अंदर लाइट जलती देख परिजन वहां पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। वहां सफारी के भीतर अब्दुल्ला मृत अवस्था में पड़ा था जबकि कोनिन बेहोशी की हालत में थी। परिजन कोनिन को लेकर अस्पताल भागे लेकिन रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। दोनों बच्चों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने कानून पछड़े में पड़ने से बचने से आनन फानन में दोनों को दफना दिया। पुलिस के मुताबिक मामला दुर्घटना से जुड़ा है और किसी पक्ष से कोई शिकायत नहीं की गई है इसलिए मामला संज्ञान में लिया गया है। फिलहाल परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गोंडा में सड़क हादसे में 2 बच्चों की मौत। भाजपा प्रत्याशी के काफिले के कार ने रौंद दिया। फॉर्च्यूनर कार ने 3 बच्चों को रौंदा, 2 की कुचलकर मौत, 1 घायल। कर्नलगंज हुजूरपुर मार्ग का पूरा मामला। मौके पर जुटी भीड़, फर्नीचर कार कब्जे में। पुलिस मौके पर पहुंचे, शव को अपने कब्जे में लिया है। कर्नलगंज कोतवाली क्षेत्र बैकन डिग्री कॉलेज के पास की घटना है। ललितपुर जिले के तहसील मुंडवारा में नाबालिग बच्ची का सौदा 2,00,000 रुपए में कर दिया गया। जब नाबालिग शौच के लिए जा रही थी तब नशीला पदार्थ पिलाकर अपहरण करना चाहता था। मामा दादी और मां ने बचाया है। इसके बाद विवाद संबंधित चौकी पहुंच गया जहां पर जनसुनवाई चल रही थी। नाबालिग लड़की का मामा पक्ष और मां पक्ष दोनों चौकी पहुंचे और जहां पर दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। मारपीट के दौरान चौकी परिसर में रखे पानी के मटके फोड़ दिए गए। चौकी इंचार्ज ने मामला शांत कराया। लड़की पर तहरी लेकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। थाना कोतवाली के मसौरा चौकी प्रभारी द्वारा जनसुनवाई की जा रही थी उसी दौरान एक दंपत्ति पहुंचे और उनके द्वारा बताया गया कि उनके ही सगे भाई के द्वारा उसकी एक 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर एक मड़ावरा के युवक से पैसे लेकर के शादी कराई जा रही है। इतने में ही जो दूसरा पक्ष है चाचा पक्ष वो भी आ गया कई महिलाओं के साथ और उनके द्वारा माता पिता पर आरोप लगाया जाने लगा कि ये लड़की को 2,00,000 रुपए लेकर के कहीं और बेचना चाहते हैं। इसी बौरी जिले के चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र के बौरीखाल ब्लॉक के अंतर्गत रामनगर से आ रहा एक डंपर बौरीखाल से पडिंडा के बीच खड़े बोलेरो वाहन से टकराकर अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरा। हादसे में वाहन चालक की मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार थलीसैंड थाने में दुर्घटना की जानकारी मिली है। रामनगर से आ रहा डंपर बोलेरो वाहन से टकराकर अनियंत्रित होकर नदी में गिर गया था। बताया जा रहा है कि पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर लोगों की मदद से वाहन में फंसे चालक को निकाल दिया गया। बताया जा रहा है कि मौके पर पहुंचे 108 एम्बुलेंस सेवा के कर्मियों द्वारा चालक को मृत घोषित कर दिया गया। 108 के माध्यम से चालक के शव को पीएसी बैरजो पहुंचाया गया है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।